जय जननी जय जीवन धाती मात सरस्वती प्राण पय मात सरस्वती प्राण पय जय जननी जय जीवन धाती पूरनाश तदल कमले वसति पूरनाश तदल कमले वसति मन मन मनी उज्ज्वल लसति दशति भर जे जीवन भर दशति भर जे जीवन भर जय जननी जय जननी जय जननी जय जननी जय जी। तो ये थी राग भूपाली की मध्यालय। तो ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कि त्रिताल लिखा हुआ है, तो इसकी संगति त्रिताल के साथ होती है इस मध्यालय की। तो अगर आपने मेरा त्रिताल वाला वीडियो देखा है तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे वो वीडियो मिल जाएगी। तो सबसे पहला जो खंड है उसके नीचे आप देख सकते हैं ज़ीरो लिखा हुआ है, तो वो ताल की नौवीं मात्रा जो खाली वाली मात्रा है वो उससे शुरू होती है ये मध्यालय। फिर दूसरा खंड है उसके नीचे थ्री लिखा हुआ है, यानी ताल की तीसरी ताली और जो तेरहवीं मात्रा है ताल की वो। फिर तीसरा खंड है उसके नीचे लिखा हुआ है एक्स, यानी ताल की पहली मात्रा जिसे हम सम कहते हैं। और आखिरी खंड है उसके नीचे है टू, यानी ताल की दूसरी ताली और पांचवी मात्रा। तो ये त्रिताल के साथ इसकी संगति हुई। तो इसी के साथ राग भूपाली पूरा कंप्लीट हो गया मेरे चैनल पे। सबसे पहले मैंने आरोह पकड़ पे एक वीडियो बनाया था, फिर राग भूपाली की स्वरमालिका पे, और ये जो हुआ वो राग भूपाली के मध्यालय पे। तो इस तरह ये राग भूपाली पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह वीडियो होती है ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो और उसका कंटेंट आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।